वक्त बड़ी खबर मिल रही है, ज्ञान वापी केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज कर दी गई है, मुस्लिम पक्ष को झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई, जहां पर मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगता हुआ साफ दिख रहा है। मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। उनकी ओर से याचिका यहां पर डाली गई थी, जिसको अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से पूर्ण रूप से खारिज कर दिया गया है। तो मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगता हुआ इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से। ज्ञानवापी केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्षकार को झटका लगा है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी है जाहिर तौर पर जी। और इस वक्त अमित सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए। अमित, और क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है ज्ञानवापी केस से जुड़ी हुई? देखिए, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के आज के फैसले से यह साफ हो गया है कि हिंदू पक्षकार की जो याचिका थी जिला अदालत में कि श्रृंगार गौरी का नियमित रूप से पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को मुस्लिम पक्षकार ने, मुस्लिम कमेटी ने चुनौती दी थी और कहा था कि मेंटेनेबल नहीं है जिस तरीके से हिंदू पक्षकार ने नियमित रूप से पूजा अर्चना श्रृंगार गौरी की याचिका जिला अदालत में दायर की है, उस पर सुनवाई मेंटेनेबल नहीं है। इसी के खिलाफ आए थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी ये साफ हो गया है कि श्रृंगार गौरी का नियमित रूप से जो पूजा अर्चना की जो सुनवाई है इलाहाबाद जिला अदालत में वो होती रहेगी। ये बहुत बड़ा झटका है ये मुस्लिम पक्षकारों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से। जी जी बिल्कुल, बेशक ये बड़ा झटका है। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुस्लिम पक्षकार को बड़ा झटका लगा है। मस्जिद कमेटी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। फिलहाल कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया अमित? देखिए, फिलहाल अभी अभी फैसला आया है और आज के फैसले में ये साफ कहा है कि मुस्लिम कमेटी, मुस्लिम पक्षकार ने जो याचिका दायर की थी कि श्रृंगार गौरी की नियमित रूप से पूजा अर्चना की जो याचिका जिला अदालत में है हिंदू पक्षकार की तरफ से, वो सुनवाई के योग्य नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्षकार इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हुआ था, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्षकार को करारा झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। और अब आज के इस याचिका के खारिज करने के बाद अब जो अदालत ने श्रृंगार गौरी के मामले में नियमित पूजा अर्चना की जो याचिका है हिंदू पक्ष का, ठीक है, पूजा रोकने की मांग की गई थी लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर में मिशन शांति पर हैं और मणिपुर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। आज तीसरे दिन अमित शाह ने इंडो म्यांमार सीमा पर मोरेह के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके साथ ही अमित शाह मोरेह में कुकी समुदाय के लोगों से भी मिले और उनका हाल जाना, और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी उनकी ओर से की गई है।